हेलो एवरीवन, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। परमानेंट वैकेंसी आई है, आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आयु, योग्यता, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। अंत तक बने रहिएगा। कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही यहाँ पर कोई इंटरव्यू होगा। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में देखेंगे मेन वेबसाइट पर जाकर। तो विज्ञापन जो है वो जारी हुआ है 21 अक्टूबर को, आवेदन भी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 20 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये वैकेंसी आई है। केवल प्राइमरी स्कूल टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है रेगुलर बेसिस पर, यानी परमानेंट जो है ये पोस्ट रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल टीचर लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो है वो पेमेंट काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। 145 जो है यहाँ पर पोस्ट हैं और वर्टिकल रिजर्वेशन है यूआर, ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम, बीटी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीटी। इसमें जो है जो आरक्षित वर्ग हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इनको बांटा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में कार्यकल जो रीजन है उसमें 52 सीटें हैं और माही में 11 सीटें हैं। कुल जो है वो 145 सीट जो है वो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो कौन कौन जो है आवेदन कर सकता है बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर देखना है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो यदि आपने हायर सेकेंडरी जो है पास की है 50% अंकों के साथ में, और साथ में आपके पास जो है बेसिक टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा है, आपने जो है बीटीसी किया है, डीलेड किया है, एसटीसी किया है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में एक और कंडीशन है यहाँ पर कि आप लोगों ने रीजनल जो लैंग्वेज है तमिल या मलयालम, इसमें से एक लैंग्वेज जो है वो सब्जेक्ट के रूप में सेकेंडरी लेवल पर पढ़ी हो, ठीक है। और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई है तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं या आपने टीएन टेट, के टेट, एपी टेट आपने क्वालिफाई किया है तो आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 60% है, यानी 90 मार्क्स वाला जो है यहाँ पर पास होगा। ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम 55% मार्क्स, एससी, एसटी, बीटी, पीडब्ल्यूबीटी 50% मार्क्स। अब एग्जाम तो कोई नहीं होगा यहाँ पर, तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं यानी आप लोगों के अभी तक 12th में या फिर आपने जो डिप्लोमा किया है बेसिक टीचर ट्रेनिंग का उसमें आपके कितने मार्क्स हैं, सीटेट में आपके कितने मार्क्स हैं, इसके आधार पर जो है यहाँ मेरिट निकलेगी और उसके बाद सिलेक्शन रहेगा। एज लिमिट जो है 18 से 32 साल यहाँ पर दी गई है और एज में जो है रिलैक्सेशन भी जो है यहाँ पर दिया गया है और ये केवल उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो कि पुदुचेरी के निवासी हैं। ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम, बीटी इनकी जो है 3 साल का है और एससी, एसटी को 5 साल की छूट है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज इनको 10 साल की छूट दी गई है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं विडो, डिवोर्स वोमेन, वोमेन को जो है यहाँ 35 साल की, यानी कि यहाँ पर अप टू द एज ऑफ 35 ईयर, अप टू 40 ईयर फॉर एससी एसटी। एससी एसटी की अगर महिला है तो 40 साल तक की जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहती हैं। बाकी जो है यहाँ पर आप लोगों को जो भी आरक्षण मिलता है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल बनवा के और उसके बाद जो है फॉर्म फिल करें ताकि आप लोगों को आपकी कैटेगरी का जो है वो फ़ायदा मिल सके। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ क्या रहेगी, तो यहाँ पर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट अभी जो है सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो मैंने आपको बताया कि 70% जो वेटेज है वो आपका जो है हाई स्कूल एंड डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन, 20% वेटेज फॉर मार्क्स जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1, सी टेट, टी एन टेट, के टेट या एपी टेट, आंध्र प्रदेश टेट। 10% वेटेज जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सीनियरिटी ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी टेट पेपर टू भी अगर आपने पास किया है तो यहाँ पर आपको 10% का जो है वो वेटेज मिलता है। बाकी आप लोग अप्लाई करेंगे तो और भी चीज़ें जो है वो बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, उसके बाद जो है अप्लाई करना है। तो ये जो है मेन वेबसाइट है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ पुदुचेरी, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सबसे ऊपर ही दिखेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर। तो यहाँ पर बीएड वालों के लिए वैकेंसी नहीं निकाली है, ये जो प्राइमरी स्कूल टीचर में केवल डीलेड वाले, बीटीसी वाले, एसटीसी वाले ही जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा। एक और वैकेंसी जो है यहाँ पर है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 28 अक्टूबर है और ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स की,
ठीक है। बाकी जो टीचिंग लाइन से यदि आप हैं तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स की वैकेंसी है, आप लोग भरिएगा। लास्ट डेट जो है 20 नवंबर रहने वाली है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।